क्या बोल रहा था बेटा? अनिस, मैं कतरा हूं। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बाप हो भाई के बेटा नहीं देखा जाता, जंग के मैदान में रिश्ता नहीं देखा जाता। ऐसे लोगों से भी हंस हंस के मिला हूं अक्सर, जिनसे इंसान का हंसना नहीं देखा जाता। जिनसे इंसान का हंसना नहीं देखा जाता। अरे जान दे सकता है क्या? जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या शकील आजमी? बहुत प्यारे शायर हिंदुस्तान के शकील आजमी साहब कहते हैं, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। अरे कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? और बेटा सुन, ये तेरी बात नहीं, तेरी बात नहीं। तू तो मुझसे बहुत प्यार करता है और तेरा दिल बहुत साफ है मेरे लिए, लेकिन कुछ लोगों के दिल में कचरा जो है ना वो निकाल रहा हूँ। देख दो मिसरे सुनना। शकील आजमी कहते हैं, नहीं तू अलग है, सुन सुन। अरे मैंने पहले कह दिया ना कि बहरा है क्या तू? शकील भाई सुनना, जान दे सकता है कि साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। अरे कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? आसिफ भाई, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। जनाब बेतल उत्सवी साहब, ये छोड़ पकड़ रहा है, वो तो मेरे साथ हो ही रहा है अभी, क्या जिंदगी छोड़ पकड़ रही है उसमें उनका क्या कसूर है? बेकल उत्सवी साहब कह रहे हैं कि अपने हिस्से की शाम मत देना, अपने हिस्से की शाम मत देना, दोस्तों को ये काम मत देना, अरे जिसको पीने की कुछ तमीज नहीं उसके हाथों में जाम मत देना। उसके हाथों में जाम मत देना। चंद ख्वाबों चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, नईम अख्तर। जनाब नईम अख्तर कहते हैं, चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। गजल सुनना साहब, और गजल ये गजल
हकीकत में जो मोहब्बत करते हैं, आजकल तो मोहब्बत फेसबुक यूट्यूब हो गई है, टिकटॉक हो गई है, मगर जो हकीकत में मोहब्बत करते हैं उनके लिए मतला दे रहा हूं। पर अनीस माशाल्लाह तुम भी जवान बच्चे हो। अरे मैं तो बुढ़ा खुसट हो गया यार, सुनना बेटा। मोहब्बत का, अब देखिए एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। इस्माइल भाई सिचुएशन देखना, मंजर देखना, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। तो कहता है मोहब्बत का तकाजा है, पसंदीदा ये गजल सुनाने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये गजल आप तक पहुंचेगी, आपके दिलों तक पहुंचेगी। देखिए जुदा हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, अब बिछड़ते वक्त कह रहा है मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है, मुझे तू यार मत करना। अक्सर लोग जब बिछड़ते हैं तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं बिछड़ने वाले से कि देख मुझे भूल मत जाना, मुझे भूलना मत, तू कहीं भी रहना मुझे मत भूलना। लेकिन ये कह रहा है मोहब्बत का तकाजा है, मुझे तू याद मत करना। मोहब्बत का तकाजा है, मुझे तू याद मत करना। तू अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद मत करना। साहब आपके बाजू में जो बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, सईद भाई, सईद साहब हमारे सीनियर जनाब मरहूम बड़े मजी शोला साहब से मैंने ये चार मिसरी सुने थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। नाम नहीं जानता किन के ये चार मिसरे हैं, मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने उनसे सुने थे तो मुझे अच्छे लगे। जनाब कहना है कि न जाने कौन सी मजबूरियों का मारा है, न जाने कौन सी मजबूरियों का मारा है,
वो साथ छोड़ गया है तो बेवफा न कहो, बहुत लगाव है इस दिल को उसकी यादों से, वो मेरा दोस्त रहा है उसे बुरा ना कहो। मोहब्बत का तकाजा है मुझे तू याद मत करना, तू अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद मत करना। जनाब शेर सुने और देखिए क्या अजीब इत्तेफाक है कि हम समंदर के पास हैं, मगर शेर सुने अजीम से। इस्माइल भाई, अरे मेरी मेहनत खराब हो जाएगी यार, मैं आज बहुत मूड में हूं। मेरे सामने ऐसे सुनने वाले बैठे हुए हैं कि बस सारा कुछ उंडेल दूंगा मैं जितना सीने में। मेरे सूखे हुए होठों की महरूमी बताती है, बताती है ये सहरा है यहाँ पर प्यास की फरियाद मत करना। एहसास नहीं, मेरे सूखे हुए होठों को कुछ एहसास नहीं, अब समंदर से ये कह दो कि मुझे प्यास नहीं। ये सहरा है यहां पर प्यास की फरियाद मत करना। जिंदगी में कोई एक ऐसा होता है जिसे हम जान से बढ़कर चाहते हैं, दो पांच दस पचास नहीं होते, सिर्फ एक होता है इब्राहिम भाई, सिर्फ एक होता है जो जिंदगी का सच्चा दोस्त होता है। वो चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे पीर हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो। अब जरा समाप्त करें, शेर सुने। परखने आसिफ भाई शेर दे रहा हूं, परखने का हुनर सबको नहीं आता है दुनिया में, परखने का हुनर सबको नहीं आता है दुनिया। नहीं आता है दुनिया में
मददगार रहो, अपनी मुश्किल के लिए खुद ही मददगार रहो। सांप काटे तो जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त न डस ले कहीं इससे खबरदार रहो। इस्माइल भाई, भाईजान शकील साहब, ये चार मिसरे हिंदुस्तान भर में मकबूल हुए अजीम के। जनाब समाप्त करें कि सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है। सही साहब सुनना, सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सजाकर मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है। घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है, तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है। जनाब मेरे कुछ अजीजों की ये फरमाइश थी कि अजीम भाई आपने कुछ कहा था आज की इस महफिल में, जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं जो मुझे सुन रही हैं, मैं इनकी भी दुआएं लेना चाहूंगा। इस्माइल भाई, एक वक्त ऐसा गुजरा 2018 जो कि मुझ पर कयामत का गुजरा। पूरा रमजान महीना एक ऐसा गुजरा कि मैं बिस्तर से करवट भी नहीं ले सकता था, उठ के बैठना तो दूर कि मैं करवट भी नहीं ले सकता था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मगर उस वक्त मेरी खिदमत, मेरी सेवा, मेरी खिदमत मेरी बच्चियों ने, मेरी बेटियों ने की। अल्लाह ताला ने मुझे दो रहमतों से नवाजा, जुड़वा बेटियों से नवाजा, और आपकी दुआ से माशाल्लाह 14 साल की ये दोनों बच्चियां मेरी। और जनाब, जो बाप होता है ना वो औलाद का दर्द समझता है। खैर, मैं तो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, मैं हिल भी नहीं सकता था, मेरी बेटियां मेरी खिदमत करती थी। उस वक्त यह एहसास हुआ कि वाकई अगर सच्ची हमदर्द होती है तो बेटियां होती है बाप की। बाप की हमदर्द बेटियां होती है, बेटे नहीं होते, बेटियां होती है। जनाब, मैं बड़ा खुशनसीब बाप हूं कि मुझे मेरी बेटियों की खिदमत मिली। चार मिसले रखने जा रहा हूं यहां पर, जितने भी बेटियों के बाप बैठे हैं तवज्जो चाहूंगा। बतौर हुक्म मैं ये चार मिसरे पढ़ रहा हूं। इब्राहिम भाई सुनना, ये हार्ट टचिंग मिसरे दे रहा हूं, दिल को छूने वाले। सही साहब, कई घरों में हमने देखा है कि बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, ना उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है, ना उन पर कुछ ध्यान है, उल्टा ये सोचते हैं कि अभी इनकी शादी होगी तो जहेज इतना सारा देना पड़ेगा, इतने खर्चे हो गए हमारे, इतने खर्चे बढ़ गए। अरे नादानों, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा जीत की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। आज मुझे इस बात का भी जी शुक्रिया। दोबारा हुक्म है कि जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा अज़ीज़ की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। शकील साहब, अक्सर लोग कहते हैं बड़े नाज से कि मेरे बेटे ने मेरे नाम पे बंगला कर दिया, मेरे बेटे ने मेरे नाम पे इतनी एकड़ जमीन कर दी। मैं कहता हूं बेटे ने कुछ नहीं दिया, जाते वक्त बेटी जो देती है तवज्जो फरमाए। जब दुल्हन बन के रुखसत होती है तो बेटी क्या देती है बाप को, जरा गौर करें। कहती है कि तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोजख हराम है अब्बू।
लोगों से बात कर रहा हूं शेर में। इस्माइल भाई 15 साल के बाद अजीम आया दोबारा इस स्टेज पर, और मुरूड गंजीदा वालों से क्या पूरे कोकण से अजीम की जो मोहब्बत है। इब्राहिम भाई फिलहाल अभी तो जिंदा हूं, लेकिन जब मर जाऊं मैं तो मेरी इल्तिजा क्या है? शकील साहब शेर बाद में कह लेना आप, लेकिन शेर सुनना। मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, मोहब्बत का परिंदा हूँ, मोहब्बत का परिंदा हूँ, यही मेरा ठिकाना है। मुझे तुम दिल के पिंजरे से कभी आजाद मत कहना। खुशी से बैर है अपना, गमों से यारी है। खुशी से बैर है अपना, गमों से यारी है, बेवफाओं से वफा करने की बीमारी है। खुशी से बैर है अपना, गमों से यारी है, बेवफाओं से वफा करने की बीमारी है। तुम इसमें डूब के देखो तो तय मिलेगी नहीं, तुम्हारे दरिया पे एक अश्क मेरा भारी है। जनाब ये शेर जो मैं कहने जा रहा हूं हदीस के हवाले से, वैसे गजल का शेर नहीं है, लेकिन शेर जो है पूरी गजल पे भारी। खुशी आप देकर खुश हो तो तुमसे खुदा खुशी है। खुशी है किसी का दिल दुखा कर अपने दिल को शाद मत करना। सच्चाई ये है कि माशाल्लाह अनीस बचपन से मेहनत कर रहा है बेशक, और माशाल्लाह ये तो खानदानी खानदान से माशाल्लाह, बाप भी इनके माशाल्लाह बहुत प्यारा गाते हैं आसिफ भाई, मगर मैं तो अकाई नान खटाई हूँ, मुझे गाने बजाने की तमीज़ नहीं है।
ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं कि जो मैं आपके दिलों में बैठा हूँ। मैं चंद मिसरे रखना चाहता हूँ साहब आज की रात। सईद भाई कुछ भी नहीं आता अजीम को, बस अल्लाह लाज रख लेता है माँ की दुआओं के सदके में। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, जनाब पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा अजीम को। सितम जब सर उठाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, सितम जब सर उठाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई आंसू बहाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। धड़कता है जो दिल बनकर के बूढ़ी माँ के सीने में, वो काबा टूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। धड़कता है जो दिल बनकर के बूढ़ी माँ के सीने में, वो काबा टूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। जनाब चार मिसरे और समाप्त करें, और सच्चाई से भरपूर कि दुआएं देते रहते हैं कोई शिकवा नहीं करते, दुआएं देते रहते हैं कोई शिकवा नहीं करते। मुकद्दर का लिखा है सोचकर चुपचाप रहते हैं, तू जिसको भूल कर बैठा हुआ है अपने बंगले में, उसी टूटे हुए घर में तेरे माँ बाप रहते हैं। अक्सर लोग माँ का जिक्र ज्यादा करते हैं, अरे बाप भी कुछ है। शकील भाई एक बाप अपने बच्चे को जवान करने के लिए क्या क्या करता है, एक बाप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है, ना कोई मौसम देखता है, ना कोई तकलीफ देखता है, ना अपनी बीमारी देखता है, बस कमाता रहता है, कमाता रहता है, मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाए, मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। जनाब और वही बच्चा जब जवान होता है, आइए आरिफ सैफी कहते हैं कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बिनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। भाई ये माइक, मैन माइक बंद हो गया। हल्का सा बढ़ा दीजिए मेरे भाई, बड़ा प्यारा शेर रख रहा हूं गजल के सुनने वालों के लिए। इब्राहिम भाई और मेरे सभी हाजरीन में जिनके नाम नहीं जानता माजरत के साथ, मगर गजल का शेर सही साहब शकील साहब ने सभी हाजरीन से, मेरे अजीजों से, इस्माइल भाई आपके बाजू में जो बैठे हैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। जुबैर भाई, जुबैर भाई सुनना। भरे हैं जख्म मुश्किल से, भरे हैं जख्म मुश्किल से, अब इनको छेड़ मत देना। उसमें क्या बचा, वहीं से खुद से वार्ता हुआ रहा है। भरे हैं जख्म मुश्किल से, शकील भाई शेर सुनना भाईजान। भरे हैं जख्म मुश्किल से, अब इनको छेड़ मत देना। भुला बैठा है जो तुमको, भुला बैठा है जो तुमको, उसे तुम याद मत करना। भुला बैठा है जो तुमको, उसे
मत देना कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूं। आइए जनाब, गजल का मक्का, मक्के का शेर। डॉक्टर साहब मोबाइल रख लो। इब्राहिम भाई, इस्माइल भाई, अक्सर लोग बेवफाई का बदला लेते हैं कि उसने मेरे साथ बेवफाई की, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। अब मैं भी मशवरा दे रहा हूं कि सबक सिखाना तो ऐसा सिखाना, उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की ठीक, लेकिन उसके साथ सबक उसको सिखाना है तो यह करना, बर्बाद हो जाना, तू खुद बर्बाद हो जाना, उसे बर्बाद मत तुमसे दिल लगाने की सजा भी खूब मिली, तुमसे दिल लगाने की। खटक रहे हैं निगाहों में हम जमाने की, गमों की गोद में पलकर जवां हुए हैं हम, हमें तो गम में भी आदत है मुस्कुराने की। हमें तो गम में भी आदत है मुस्कुराने की, क्योंकि मुस्कुराहट मेरे जख्मों को छुपा देती है। मुस्कुराहट मेरे जख्मों को छुपा देती है,
ये वो चादर है जो ऐबों को छुपा लेती है। अरे इस तरह मैंने तेरा राज छुपाया सबसे, जिस तरह घास जमीनों को छुपा लेती है। ये अजीम की गजल हर किसी को समझ में आती है, हर किसी को समझ में आती है। वो वहां से आ रहा है। जल्दी आके सुबह आएगा मैं तो समझता था सिर्फ मैं लग रहा हूं, सुबह तक आएगा बेटा जल्दी आ। मैं तेरी नियत है कि नहीं देने की